हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं रांची में मोराबादी में मेला लगा हुआ है जो लास्ट डे है और आज 2 अक्टूबर है और यहाँ मैं टिकट लेने के लिए काउंटर में खड़ी हूँ। फाइनली मेरे को टिकट मिल गई है। टिकट में बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी और शाम का टाइम था और लास्ट डे भी था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि तो मेरे को लगा कि चलो बाहर होगी तो अंदर भी बहुत कम भीड़ होगी, लेकिन पता चला कि अंदर जाने के बाद और भीड़ थी। और ये एक्सपो मेला लगा हुआ है जो रांची में आपका 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगा हुआ था, लेकिन आज ये लास्ट डे है और मैं आज ही गई थी इसे देखने के लिए। तो सोचा कि आप लोगों के साथ मेले का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लेकिन मेले का एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए ख़तरनाक रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेले में इतना भीड़ थी कि मतलब, लेकिन स्टार्टिंग तो पहले गणेश जी का दर्शन करने से हुआ, बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून। फिर पहला फर्स्ट काउंटर में हम लोग यहाँ घुसे तो यहाँ पे बहुत खाली था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। यहाँ पे प्रिंटर, कैमरा, घर का कैमरा कैसे लगा सकते, डोर बेल, फ्लैट के बारे में, फ्लैट बुक करवा सकते, बहुत एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे ऐसे थे जो आप घर में यूज करने के लिए आपके लिए बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पर सामान बताया जा रहा था और आप चाहे तो ले भी सकते या फिर ऑर्डर भी कर सकते थे। फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक फाउंटेन था, बहुत खूबसूरत मेरे को देखने में लग रहा था और यहाँ का मटेरियल बहुत एक यूनिक पीस था। ये मेला मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले जब आए थे वो बहुत छोटे छोटे स्टॉल थे और बहुत कम स्पेस में बनाया था, लेकिन ये स्पेस भी बहुत बड़ा था और बहुत बड़ी एरिया में थी कि आदमी लोग चलते चलते, अधिकतर लोग चलते चलते थक जा रहे थे और आगे कहीं पर भी सोफ़ा या बेड ये सब मिल रहा था, वहाँ पे जाके आदमी लोग रेस्ट भी ले रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ बहुत मेरे को यूनिक लगा, बहुत अच्छे तरह से इसको बनाया गया है, डॉगी बनाया गया, बैग बनाया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था। यहाँ पे आगे पहुँचे तो यहाँ पे चेयर था, सबको कम आराम भी ले रहे हैं चल चल के, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी एरिया में बनाया गया था। यहाँ पे आगे बढ़े तो प्ले स्कूल भी था बच्चे लोगों के लिए, जहाँ पे मैडम बता रही थी कि बच्चे लोगों को प्ले में क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया, अपना स्कूल का प्रमोशन भी कर रहे थे। और आगे बढ़ा तो बहुत धक्कम धुकी हो रहा था और यहाँ पे इतना धक्कम धुकी था कि आगे चलने के लिए स्पेस भी नहीं था। यहाँ पे ये कश्मीर से एक कालीन बेचने के लिए आया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने के लिए। हर जगह तो सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ दुकान ऐसे होते हैं जो अलग तरह से होते हैं और अलग तरह से सामान भी मिलता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था आपका मार्बल का, अलग अलग यूनिक पीस भी था, देखने में बहुत सुंदर लगा। लेकिन खिलौने ना हाथ बैठो, ये दुकान इनका मुंबई से आया था, ये सब्जी कटिंग करने के लिए लाए थे और बहुत अच्छा कटिंग करके बताया था कि आपका टाइम बचत हो जाए और आप कैसे सब्जी कटिंग कर सकती है। कश्मीर से आपका ड्राई फ्रूट आया था और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी थे जो बहुत अच्छे कम किफायती दामों में भी थी। 100 रुपीज़ में आपका सेल लगा हुआ था, 100 रुपीज़ में कुछ भी आप ले सकते थे। मेले में एक चीज़ तो सबक मिल जाती है कि मेले का फर्स्ट डे और लास्ट डे तो कभी नहीं आना चाहिए और छुट्टी के दिन तो और ऑब्वियसली नहीं आना चाहिए क्योंकि इतनी भीड़ हो जाते हैं कि मेले में आपको जगह नहीं, तो क्योंकि कम एरिया में मेला बना हुआ भी रहता है और बहुत छोटे दुकान भी रहते हैं, लेकिन जिसकी वजह से बहुत चलने में भी दिक्कत होती है और बहुत बहुत परेशानी भी होती है। यहाँ पे ये भाई साहब बहुत अच्छा चीज़ यूनिक बताया कि अगर शर्ट या कपड़े में कहीं पर भी दाग लग जाता है तो बहुत जल्दी ये मटेरियल से छूट जाता है, ये यूनिक केमिकल दिए वो तो मैंने लिया। और एक मेरा एक्सपीरियंस भी, मैं घर आके भी ट्राई किया तो मेरे हस्बैंड के शर्ट से बहुत सारा दाग लगा हुआ था, सारा छूट भी गया। और आप देख सकते कि जहाँ पे लेडीज़ कॉस्मेटिक दुकानें हैं जैसे बैग है, सूट है, साड़ी है, ज्वेलरी है, ये सब दुकानों में अधिकतर लेडीज़ों की जहाँ बहुत भीड़ रहती थी और जहाँ पे ये सब सामान नहीं थे वहाँ पे खाली थी। ये चेज़ का बहुत सुंदर लगा मेरे को देखने के लिए, इस चेज़ का दाम सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया
क्योंकि इस चीज़ का दाम 11,000 रुपया था। यहाँ पीतल के बहुत सारे यूनिक यूनिक आइटम देखने को मिल रहे थे जो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया। और यहाँ पे घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल पीतल मेटल से बने हुए बहुत सारे सामान थे। साड़ी का भी बहुत ज़्यादा स्टॉल लगा था, गुजरात से, गुजराती, मराठी, बंगाली, वेस्ट बंगाल, सूरत, सभी जगह से सारे दुकान आए हुए थे। पंजाब से पंजाबी जूती थी और बहुत तरह के थे। दिवाली में भी आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते वो भी सारा सामान यहाँ पे मिल रहा था कि आप कैसे सजा सकते। आदिवासी ऑयल भी आया हुआ था कि आप माथे पे भी कैसे लगा के आप अपने लंबे बाल कर सकते, बाल झड़ने को रोक सकते। कम किफ़ायती दामों में आप कैसे किस तरह कम ऑयल लगा के आप खाना बना सकते। बहुत तरह से अलग अलग तरह के सामान मिल रहे थे, क्योंकि मेरे को लगा कि मेले में कुछ वैसा होगा नहीं, लेकिन जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा रहा। लेकिन भीड़ देख के मिजाज बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि आप अधिकतर स्टॉल जाके मैं ही नहीं देख पाई कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और घुसने के लिए भी जगह नहीं थी। मैं बीच से ही खड़ा होकर देख रही थी कि कहाँ पर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लास्ट में ये स्टॉल निकल गई। उसका निकलने के बाद मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और रांची का तो मौसम जानते हैं कि कभी गर्मी कभी धूप कभी छांव हो जाता है। और शाम भी हो चुका था, बच्चे लोग बहुत थक भी गए थे, तो हम लोग क्यों ना सोचे थोड़ा सा आइसक्रीम खा ले और कुछ ले भी ले। तो बाहर निकले तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ क्लोज सेरेमनी हो रहा था, और यहाँ पे बाहर निकले तो यहाँ पे एक कार खड़ी थी। कार में बहुत सारे बच्चे लोग पेंट कर रहे थे, क्राफ्ट बना रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग कर रहे थे। और ये अपना स्कूल का प्रमोशन कर रहे थे, आर्ट एंड क्लास का प्रमोशन हो रहा था और बच्चे लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉल में घुसे। बहुत छोटा स्टॉल था लेकिन बट यहाँ पे भी अधिकतर कपड़े ही थे, और यहाँ पे हर तरह का स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पे हर तरह का कपड़े मिल रहे थे। सूट, साड़ी, नाइटी, आपका नाइट ड्रेस, फिर से गाउन, वन पीस, मतलब लड़कियों लोगों के लिए ही ये स्टॉल बना हुआ था जहाँ पे उनके हर तरह का बैग, कॉस्मेटिक का सामान, फिर से आपका ज्वेलरी, अधिकतर तरह के लड़की लोगों के ही थे। और यहाँ पे ये लास्ट दुकान था जहाँ पे लहंगा भी था, आप चाहे तो ऑर्डर दे के लहंगा भी ले सकते थे। फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दिवाली में डेकोरेट करने के लिए आपका तोरण, बच्चे लोग के लिए खिलौना, बहुत सारे स्टॉल था जो बहुत सुंदर भी लग रहा था। फिर वहाँ से निकले तो बच्चे लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक था, और यहाँ पे बच्चे लोग के लिए अलग अलग दो तरह के नए झूले थे जो रांची में पहली बार आए थे। और यहाँ पे रांची में ये झूले लोग का दाम था जो बहुत कॉस्टली भी था, लेकिन बच्चे लोगों को झूलने का भी बहुत मन था, तो क्यों ना झूला झूला दी। ये फर्स्ट टाइम रांची में मैंने ऐसा झूला देखा, पहली बार आई थी। मेरी बड़ी वाली बेटी को बहुत झूला झूलने का शौक है। ये देखिए लंबी लाइन में लगे हुए और मैं झूले की गिनती कर रही हूँ कि कितने झूले लगे हुए हैं बच्चे को। और मैक्सिमम मैं यहाँ 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी का नंबर आया और फाइनली वो झूले के अंदर गई और खूब फुली इंजॉय करने लगी। ये झूले का नाम तो वाटर रोलर था, बहुत सुंदर भी था, उसका जंपी राइडिंग भी था, फिर ट्रेन भी था, बहुत तरह के अलग अलग झूले थे। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा भी लग रहा था झूला देख के। और उसके बाद हम मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये बच्ची को मैं देख के तो डर गई, बच्ची मेरे को देखने में लगी 2-3 साल की थी, लेकिन थी बहुत एक्साइटेड, देखिए झूल रही है, 10 मिनट से झूला झूल झूल के परेशान थी। और इसे देख के मैं डर रही थी कहीं बच्ची रोने ना लगी, लेकिन बच्ची, आजकल के बच्चे तो स्ट्रांग होते हैं, झूला झूले में कोई थोड़ी डरते हैं, बड़े लोग डर जाएंगे लेकिन छोटे बच्चे लोग नहीं डरते। उसका झूला झूलने का बहुत तरह के थे, जहाँ पे मिकी माउस जो ऑब्वियसली हर झूले और हर मेले में रहता ही रहता है बच्चों लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे मिकी माउस झूला भी लगा हुआ था, देखने का बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरी बेटी का नंबर आया, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश भी थी और बहुत अच्छे से फुली इंजॉय करके वो इंजॉय करके बाहर निकल भी रही थी। और उसका एक्साइटेड आप खुद देखिए कि वो कितना मज़े से और इंजॉय करके आ रही है। यहाँ पे वो फुली इंजॉय की। उसके बाद हम लोग भी बहुत थक गए वेट करते करते। उसके बाद फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत देर भी हो चुकी थी। और उसके बाद फिर हम लोग मेले का नज़ारा झूले का मस्ती लेके हम लोग बाहर निकले। तो बाहर निकलने के बाद कार भी बहुत सारी लगी हुई थी, बाइक भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारा शोरूम भी आया हुआ था दिखाने के लिए। और ऑडी गाड़ी भी थी, BMW भी गाड़ी थी, देखने में बहुत खूबसूरत लगी। उसके बाद फिर बाहर जो बहुत कुछ स्टॉल बाहर भी
लगे हुए थे जिनको स्पेस नहीं मिला, और मिलने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल भी थे। तो बाहर से मैं बाहर बाहर ही नज़ारा देखी, क्योंकि सारे स्टॉल में बहुत ज़्यादा ही भीड़ चल रही थी, इसलिए मेरे को अंदर जाने को मन नहीं था। बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी देखते देखते, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में मेला लगा हुआ है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर भी बहुत सारा बेड, सोफ़ा और फिर से लकड़ी के बहुत सारा सामान बनाया गया था। जैसे हम लोग थोड़ा दूर आगे पड़े तो मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मैं तो डर गई कि क्या हुआ। उधर से आगे से टेडी बेयर बन के टेडी बेयर आ रहा था, जिसको देख के मेरी छोटी बेटी बहुत डर गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डर गए थे, चिल्लाने लगे थे, बहुत बच्चे लोग इंजॉय भी। एक्सपो मेला के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मेले का एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय।